ये तो गुणों की खान है, इनमें कोई दोष नहीं है। अच्छा महाराज, तो ये बताइए कि हमारे जमाई दादा कैसे होंगे, हमारे बेटे का ससुराल कैसा होगा, इनके पति देव कैसे होंगे। और नारद जी अब लगे देखने, तो नारद जी कहने लगे महाराज तो सुनो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी ही कह मिले परे हस्त असिरेख। महाराज जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय, नंगा रहने वाला, अमंगल भेष धारण करने वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। और इसके हाथों के लिखा ऐसा कहती है, और सुनकर के कहने लगे महाराज जी गुण बता रहे हो क्या, गुण बता रहे हो। नारद जी कहने लगे महाराज भाग्य में लिखे को कोई बदल नहीं सकता है, हम कितनी मर्जी कोशिश करने वाले, आपने देखा होगा शादी से पहले जब लड़का लड़के को देखे या लड़की लड़के को देखे तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, और फिर लास्ट में फाइनल होता है वहां शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पंगा हो जाए तो फिर एक ही बात निकलती, कर्म फूटे थे जो तुम मेरे पल्ले पड़े, पता नहीं क्या हो गया, तो उस समय मेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ेगा जो तेरे लिए मैंने हाँ कर, इतने सारे लड़कियां देखे, इतने सारे रिश्ते देखे, लेकिन इसी के साथ जुड़ना थे रिश्ते, क्यों, क्योंकि वो सबंध पहले से बने हुए हैं। बोलो वाक्य वह लाल की, जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, चाहे भले बाद में पता लगे भैया तो बहुत पीता है, ऐसा पता होता तो मना कर देते, ये तो कुछ भी नहीं कमाता, ये तो पूरा दिन बस कैसे पड़ा रहता है, ऐसा पता होता तो पहले मना कर देते, अरे भैया जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अरे बात आपको बताऊं, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया, चाहे वो पत्नी है पति है, तो भैया उसी के साथ अपने जीवन को अभियापन करना सीख लीजिए, क्योंकि रहना तो कोई प्रेम जैसा है जीवन में, इसे अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करिए, और अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल समझ करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। आज आप देखते हो शादियां होती हैं लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, छह महीने के बाद पता लगता है कि तलाक हो गया, पर पहले आप देखते थे महाराज जब शादियां होती थी, जो बुजुर्ग आप यहाँ पर बैठे होंगे आप शायद को पता होगा, शायद पहले माता पिता रिश्ता तय करते थे, लड़की को तो लास्ट मोमेंट पर भी पता नहीं होता था कि लड़का कैसा है, लड़के को भी नहीं पता होता था कि लड़की कैसी है, पहली बार एक दूसरे को कहां देखते थे, बेटी का जब लग्न होते थे तो उस समय पंडित जी ऊपर कंबल उठा करके कहते थे मुंह दिखाई कर लो, बोलो शंकर भगवान की, वहां पर पहली बार लड़का लड़की को देखता और लड़की लड़के को देखती, मुंह दिखाई वहां पर होती थी। और सबसे बड़ी बात कि महाराज उस समय कोई ऑप्शन भी नहीं होती कि मना कर, कहीं को सरप्राइज मिल जाता, पत्नी सुंदर मिल जाती, पति सुंदर मिल जाता, और कहीं को बेचारे महाराज परेशान हो जाते, हालांकि तो कैसी जोड़ी बनेगी, पर फिर भी कोई मना नहीं करता था। जिसके साथ में लगन जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, उसी के साथ पूरी जिंदगी वो रिश्ते निभा जाते। आप देखो आज लोग अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, 40वीं सालगिरह मना रहे हैं, और यहाँ आज के समय में तो एक साल भी निकल रहा है वो भी भगवान की बड़ी कृपा। हालांकि रिश्ता करने से पहले कितनी देख रेख होती है, कितना सबसे पहले कितनी बार उस लड़की को अपना इंटरव्यू देना पड़ता है, पहले लड़का देखेगा, फिर लड़के की माँ देखेगी, फिर रिश्तेदार देखेंगे, तब जाकर के लड़की फाइनल होगी। और जब रिश्ता फाइनल हो गया लोग पूछेंगे बहुत बड़ी सुरक्षी बड़ी छह, और जब शादी होगी घर आई फिर पूछा बहू कैसे, दुखी करके रखा, अरे देखने में तो खुद ही गए थे गुरुमान के बैठ डाल लड़की। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में खुश रहना चाहते हो तो जिनसे भी संबंध जुड़ा है उन्हीं में अपनी खुशी को ढूंढिए। जो हमारे संबंध है, संबंध जिनसे जुड़े हुए हैं, जैसे सास मिल गई, जैसे ससुर मिल गए, जैसा पति मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई, जैसा भाई मिल गया, क्योंकि ये सब पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिल गया है। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है,
जो कुछ मिला वो संसार में आकर के मिला। और आपको बताए जो हमारे पिछले जन्म के शत्रु हैं, जिनके साथ हमने बुरा किया है, वो यहाँ पर हमारे पारिवारिक सदस्य बन करके पूरी जिंदगी रोलाने के लिए आ जाते हैं। और जिनका अच्छा किया है वो हमारे हमारा पारिवारिक सदस्य बन करके सुख देने के लिए आ जाते हैं। जिनको हमने रुलाया है वो इस समय रुला रहे हैं, और जिनको हमने खुशी दी है वो आकर के खुशियां दे रहे हैं। अगर कोई जीवन में बड़ा परेशान कर रहा है ना, तो बस ये समझ करके मन को समझाइए कि भाई इसको भी हमने रुलाया होगा, बदला तो लेकर के हटेगा। बोलो वृंदावन में लाल की।